नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीटों रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस ने सरेंडर करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। आखिर कांग्रेस की तरफ से ऐसा क्या ऐलान किया गया है, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से रामपुर और आजमगढ़ की सीट पर एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। दरअसल कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि वो इन दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, यानी कांग्रेस ये उपचुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था और वो राज्य में महज दो सीटें ही जीत सकी, जबकि 387 सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में संगठन मजबूत न होने के कारण पार्टी अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तक नहीं कर सकी है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है, लिहाजा पहले संगठन को मजबूत किया जाएगा। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी भी अभी तक राज्य में सक्रिय नहीं है। ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारे भी जाते हैं तो शायद इस चुनाव में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी की तरफ से दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने जहां आजमगढ़ से एक बार फिर निरहुआ पर भरोसा जताया है, तो वहीं रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी को टिकट दिया है। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा ने गुड्डू जमाली को आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि रामपुर से चुनाव न लड़ने का फैसला किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस के सरेंडर करने के बाद आजमगढ़ में जहां मुकाबला त्रिकोणियों होगा, तो वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर होगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना गढ़ बचाने के लिए किस शूरवीर को आजमगढ़ के रण में उतारा जाता है और किसे आजम के गढ़ की यानी रामपुर की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। और देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या समाजवादी के योद्धा बीजेपी के रण बांकुरों को हरा पाते हैं या बीजेपी उन्हें धूल चटाती है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।